जय हिंद सबको, मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मेरी आवाज़ आप तक जा रही होगी क्योंकि माइक जो है बदला गया है। मुझे उम्मीद है आप तक आवाज़ बहुत बेहतरीन ढंग से पहुंच रही होगी और तेज वॉल्यूम में पहुंच रही होगी। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा बालक हाई कोर्ट की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें से अधिक यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं अगर बात करूं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट आज के डेट में 25 आपके भारत में 25 राज्यों में है, जो कि आप लोग जानते होंगे। और सारी बातें मैं यहां पर डिस्कस करूंगा धीरे धीरे करके, जो कि आप लोग मेरे साथ बने रहना। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, तो आइए मैं बात करता हूं। पहले तो मैं बात करूं कि हाई कोर्ट को आखिर लाया कहां से गया है। पहला सर्वप्रथम क्वेश्चन बनता है, हाई कोर्ट को लाया कहां से गया है, हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है, हाई कोर्ट किस अधिनियम द्वारा यहां पर बना हुआ है, किस अधिनियम द्वारा डिपेंड है, भारत के किस शासन अधिनियम द्वारा यहां पर मौजूद है, यहां पर बना है। पहली बात तो ये बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन बन जाता है, हर बार इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो हमारा लाया गया है, इसको हमें यूएसए से उठाया गया है। मैं अगर बात करूं, इसको हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, जो बच्चे हिंदी की बात कर रहे हो उसको हम कहते हैं उच्च न्यायालय, लिख लेंगे। अब देखिए, पहली अगर मैं बात करूं कि हाई कोर्ट को आखिर लाया कहां से गया है, तो हाई कोर्ट को यूएसए के संविधान से कह सकते हैं, या यूएसए से उठाया गया है या लाया गया है, पहली बात। अब देखिए हाई कोर्ट आखिर, दूसरी बात हम करें कि हाई कोर्ट आखिर कब और किस अधिनियम द्वारा आया है, तो हाई कोर्ट जो है बालक 1861 में, 1861 के अधिनियम द्वारा 1862 में केवल 3 जगहों पर हाई कोर्ट को लाया गया था। पहला जगह है, आपको ध्यान रखना ये बात, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट की स्थापना जो है, लिख लेना, हाई कोर्ट की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना 1861 में, 1861 में अधिनियम द्वारा, 1861 के अधिनियम द्वारा 1862 में, ध्यान रखना 1861 के अधिनियम द्वारा 1862 में कहां कहां खोला गया था। पहला कलकत्ता, कलकत्ता पहला, मद्रास और बंबई, 3 जगहों पर पहला हाई कोर्ट आपका कब खोला गया, 1862 में खोला गया, और किस अधिनियम द्वारा, 1861 में हाई कोर्ट की स्थापना हुई और 1862 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर दोनों चीज़ पूछ लिया जाता है कि 1861 है या 1862 है, तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है 1862 में हाई कोर्ट को खोला गया भारत में, किस अधिनियम द्वारा, अधिनियम 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में हाई कोर्ट की स्थापना हुई, और 1862 में पहला कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, बम्बई और मद्रास में पहले जगह पे ये 3 जगह हाई कोर्ट खोले गए थे। कहाँ खोले गए थे, ये पहले 3 जगह पर हाई कोर्ट खोले गए थे। मतलब हाई कोर्ट यूएसए से लाने के बाद कब लाया गया, यहाँ पर स्थापना कब हुई भारत में, तो हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के अधिनियम पर आधारित है, और खोला कब गया, 1862 में 3 जगहों पर हाई कोर्ट को खोला गया था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, 3 जगहों पर इसको खोला गया था, जो कि आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि अब का जो हाई कोर्ट है बालक, अब का जो हाई कोर्ट है किस भारत शासन अधिनियम पर आधारित है, ये पूछा जाता है। तो 1935, ध्यान रखना 1935 जो इस समय वर्तमान का हाई कोर्ट है, वो वर्तमान हाई कोर्ट, ध्यान रखना वर्तमान एससी का मतलब आप समझेंगे हाई कोर्ट, वर्तमान हाई कोर्ट भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है, 1935 पर आधारित है, लिख लेना ये बात।
वर्तमान हाई कोर्ट जो हमारा है, हमारा जो हाई कोर्ट वर्तमान में है इस समय, वो हमारा किस अधिनियम पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। ये आप तीन बातों को ध्यान रखना। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये तीनों बातों से बन जाता है। पहली बात, यूएसए से इसको लाया गया था। स्थापना इसकी 1861 में हुई। 1862 में तीन जगहों पर इसको खोला गया। वर्तमान का हाई कोर्ट जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा आधारित है। क्या है? 1935 के भारत शासन द्वारा अधिनियम द्वारा आधारित है। ये बात, तीन बातें आप ध्यान रखेंगे और ये तीन बातें आप पहले लिख लेंगे, ठीक है बेटा। अब चलिए आगे बात मैं करता हूँ। थोड़ा मैं डस्टर ले लूँ, कहाँ है। अब देखिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी, कि अब मैं अगर हाई कोर्ट खुलने के बाद अगर मैं इसकी गणना करूं और इसकी मैं चर्चा करूं कि भैया कैसे क्या है हाई कोर्ट में, क्या चीज़ नहीं है, कैसे बनना चाहिए, हाई कोर्ट का जज आप कैसे बन सकते हैं, हाई कोर्ट की सारी जानकारियां आज से आपकी यहां से डाउट ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बालक, यहां से लूसेंट से आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। पहली बात ध्यान रखना, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, जो बच्चे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे जानकारी लेना चाहते हैं, वो हमारी चैनल को ज्वाइन करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। एक मैं नीच लेवल से पढ़ा रहा हूं जिससे आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा। मैं वो कोशिश करता हूं बालक कि किसी बच्चे का कोई डाउट फंसे ही ना और कोई डाउट रहे ही ना। उस लेवल से आपकी तैयारी होती है जिससे कि आपको कोई डाउट होता भी नहीं है। मुझे ऐसा महसूस होता है और मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आती है क्योंकि मैं ऐसी चीजें उठा के पढ़ाता हूं, ऐसी चीजें लाता हूं जिससे कि हर एक चीज मैं बच्चों को समझा देता हूं। कब शुरुआत हुई, कब ख़त्म हुआ, कैसे बनना चाहिए, सारी चीज़ें, कब कहाँ और कैसे, तीनों चीज़ें यहाँ पर मैं हर एक चीज़ें बता करके तब छोड़ता हूँ बच्चों को। अब देखिए, हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूँ कि हाई कोर्ट की जो गणना है, हाई कोर्ट की गणना जो है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ हाई कोर्ट की गणना जो है, हाई कोर्ट की गणना की चर्चा करूँ, तो हाई कोर्ट की गणना की चर्चा अगर मैं करूँ तो हाई कोर्ट की अगर मैं यहाँ पर आर्टिकल की बात कर लूँ बालक, आर्टिकल कभी कभी पूछ लेता है, आर्टिकल पूछ लेता है कि हाई कोर्ट की गणना, गठन कह दें, या हाई कोर्ट का गठन, हाई कोर्ट का गठन किस आर्टिकल द्वारा चर्चा किया गया है, तो हाई कोर्ट का गठन की चर्चा 214 द्वारा क्या किया गया है, ध्यान रखना, हाई कोर्ट के गठन की चर्चा 214 द्वारा किया गया है। क्या किया गया है? 214 द्वारा, आर्टिकल 214 में बताया गया है हाई कोर्ट की चर्चा की गई है, ध्यान रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए, आज के डेट में लिख लेंगे आप, आज के डेट में भारत में, आज के डेट में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। कुल संख्या हाई कोर्टों की कितनी है? 25 हाई कोर्ट भारत में इस समय मौजूद हैं। लिख लेना, भारत में इस समय कुल 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं? भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। 25 हाई कोर्ट हैं मतलब अलग अलग राज्यों में स्थित हैं या मौजूद हैं। ये बातें आप लिख लेना, कितने हैं? 25। ये क्वेश्चन में पेपर पूछ लेता है कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, इस समय भारत में हाई कोर्ट कितने बने हुए हैं या हाई कोर्ट कितने मौजूद हैं, तो कितने हैं? 25 हाई कोर्ट बने हैं। अब देखिए, अगर मैं इसमें बात करूं कि हम क्या हाई कोर्ट को अलग कोई एक हाई कोर्ट है, कुछ बच्चों का डाउट होता है सर हमारा, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, बड़ा राज्य है, जैसे आप रख लीजिए उत्तर प्रदेश को, बालक अगर मैं उत्तर प्रदेश को रख लूँ, कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम एक राज्य में दो हाई कोर्ट खोल सकते हैं? बेटा, एक राज्य में दो हाई कोर्ट तो आप नहीं खोल सकते, पहली बात, दो हाई कोर्ट तो आप नहीं खोल सकते, लेकिन एक चीज़ हो सकता है कि एक हाई कोर्ट हो, उसी की ब्रांच, खंडपीठ जो है, दूसरी जगह पर आप बिल्कुल खोल सकते हैं, उसी राज्य में दूसरा आप उसका ब्रांच, जैसे आप कह सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच यहाँ पर है, ये जगह पे एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसका ब्रांच हमारा शाखा यहाँ पर है, तो आप उसकी शाखाएँ खोल सकते हैं। क्या है कि अगर कोई बड़ा राज्य है तो आप उसकी क्या कर सकते हैं? शाखाएँ खोल सकते हैं, लेकिन आप एक
एक जगह, एक एक स्टेट में, एक राज्य में आप दो हाई कोर्ट नहीं खोल सकते हैं, एक हाई कोर्ट की आप क्या कर सकते हैं, शाखा खोल सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं बालक, तो एग्जाम्पल में आपकी बात हो जाएगी उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए, आपका इलाहाबाद, अलाहाबाद, अलाहाबाद और लखनऊ, लखनऊ दो जगहों पर आपके क्या हैं, हाई कोर्ट हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ब्रांच है बालक, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ब्रांच ही है आपका क्या, लखनऊ, क्या है, लखनऊ शाखा पीठ संघ, इसकी आपकी इसकी जो शाखा है लखनऊ है। तो उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं दो हाई कोर्ट हैं, लेकिन नहीं बालक, इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद मुख्य हाई कोर्ट है आपका, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लेकिन इसकी शाखा जो है लखनऊ में भी खोली गई है। क्योंकि अगर बालक कोई चीज़ हमको अपील करना है हाई कोर्ट में, तो हम कहाँ इलाहाबाद से लखनऊ, मतलब कि लखनऊ से आप आएँगे इलाहाबाद, तो काफ़ी दूर पड़ जाएगा। क्योंकि इस वजह से, इसलिए मतलब कि कह सकते हैं कि ये आप खोल सकते हैं, आप इसकी शाखा खोल सकते हैं। समझ में आया? अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि बालक कोई एक हाई कोर्ट का, मान लीजिए कोई छोटे छोटे राज्य हैं, कोई छोटे छोटे राज्य हैं, ध्यान से समझना, कोई छोटे छोटे राज्य हैं। अब हम कह रहे हैं कि हमें एक पाँच छः राज्य मिल करके, क्या है, पाँच छः राज्य मिल करके एक हाई कोर्ट खोल लें, ये चीज़ हो सकता है। क्या हो सकता है बालक, ये चीज़ हो सकता है कि आप छोटे छोटे राज्य हो, छोटे छोटे राज्य हो, उसका एक हाई कोर्ट हो सकता है। समझ गए हैं? जैसे आप एग्जांपल में रख लीजिए गुवाहाटी, गुवाहाटी, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, गुवाहाटी आपका हाई कोर्ट जो है, इससे क्या है, इसमें क्या है बालक कि आपका जो इसमें अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं जो कि एक ही हाई कोर्ट में, छोटे छोटे राज्य हैं जो कि एक ही राज्य क्या कर सकता है, एक ही गुवाहाटी हाई कोर्ट है जो कि तीन चार राज्यों को देखता है, क्या करता है, देखता है। तो ये चीज़ हो सकता है कि अलग अलग राज्य के, अलग अलग राज्य के, अलग अलग राज्य में एक हाई कोर्ट हो सकता है, अलग अलग राज्य का एक हाई कोर्ट हो सकता है, लेकिन एक राज्य में दो हाई कोर्ट नहीं हो सकते हैं, उसकी क्या होंगी, शाखा होंगी, मतलब खंडपीठ होंगी। ध्यान रखना, उसकी क्या होंगी, ब्रांच खोली जा सकती है। कोई बड़ा राज्य है तो उसकी क्या खोली जा सकती है, ब्रांच खोली जा सकती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या है, एग्जाम्पल आप समझ लिए हैं दोनों, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अभी उत्तर प्रदेश में एक नई नई घटना चल रही है बालक, उत्तर प्रदेश में एक नई नई घटना चल रही है बेटा, ये इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि एक जो एक सफाई कर्मी था बालक, एक सफाई कर्मी थे और वो जो है अपनी बीवी को जो है इतना पढ़ाया कि उनकी बीवी आज के डेट में बन गई क्या, PCS अधिकारी, PCS अधिकारी बन गई और उनका चलने लगा। कोई अधिकारी था उन्हीं के साथ में, तो जो है उन्हीं से क्या कर होने लगा, चक्कर चलने लगा। अगर आप मैं बात करूं मतलब कि उनसे चक्कर चलने लगा, तो बालक क्या हुआ, जब चक्कर चलने लगा तो उन्हीं से अब वो क्या कह रही हैं, जो उनका सफाईकर्मी जो पति था, वो इतना बेचारा मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा करके, और जो है 10 साल हो चुके हैं, पहले ध्यान से सोचिए 10 साल शादी को हो चुके हैं, और उसके बाद क्या हुआ कि अब वो जो है वो लड़की क्या कह रही है, तलाक मांग रही है। तो बेटा ये इतिहास गवाह है, क्या है इतिहास, ये गवाह है, इतिहास मैं कह सकता हूँ, इतिहास गवाह है कि एक जो लड़की होगी, एक नौकरी वाली लड़की, एक नौकरी वाली लड़की बेरोजगार लड़का से शादी नहीं करेगी। क्या है बालक, बेरोजगार, बेरोजगार लड़का से शादी नहीं कर सकती है। और जो है दूसरी बात कि एक बेरोजगार लड़की एक नौकरी वाला लड़का जो है उससे शादी कर सकता है, इतिहास गवाह है। तो बेटा पढ़ो लिखो अच्छे से, ठीक है ना। तो वही हीरा ठाकुर, बेटा ऐसे कमेंट होते हैं, ऐसे कमेंट आते हैं, हीरा ठाकुर वाली हाल हो गई, हीरा ठाकुर बन गए। बेटा मैं उस औरत को क्या कहूँ जो ऐसा काम की जिसको शर्म नहीं आई, जो कि जिससे वो शादी करना चाहती है अब अपने पति को तलाक दे करके, अब वो जो है
उसके पास जो है उस लड़का भी है जिससे शादी वो करना चाहती है। देखिए कैसे कैसे के लोग हैं, कैसे कैसे विडंबना है, इसलिए मैं कहता हूँ बेटा ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, नहीं तो ज़िंदगी में जो है ना वैसे ही हाल आएगा कि बेरोज़गार बैठोगे तो बेरोज़गार ही रहोगे, और वही वाला हाल होगा हीरा ठाकुर वाली हाल, कहते हैं ना। बहुत बेटा कमेंट बन रहा है, मैं तो इस कमेंट का वो उल्लंघन करूँगा, कहूँगा कि भाई ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए जो भी लोग हैं, क्योंकि उसको ये पता नहीं था लड़के को कि हमको ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी, हमको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो बच्चे ऐसा कमेंट कर रहे हैं हीरा ठाकुर ऐसी वैसी, सभी लोग चाहते हैं कि हमसे ऊपर आपके जैसे माता पिता हैं, आपसे वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ करके दिखाएं। अब भले आप बाद में छोड़ करके चले जाएं, वो बात की बात होती है, लेकिन बेटा यहाँ पर जो भी फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर पर ऐसे कमेंट अफवाह उड़ा के रखे हैं, तो उस लड़के को ऐसे जलील ना करें मेरी माने तो, जो कि बहुत गंदा काम है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो लड़का बेचारा इतनी मेहनत करके अपनी पत्नी को एक विश्वास और भरोसे पर उसने पढ़ाने की कोशिश किया, पढ़ाया इतना, और उसके बाद अब उसे क्या किया जा रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा उसे जलील किया जा रहा है, तो ये गलत बात है। मैं कहूँगा इसके लिए इसका मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा। लोग वहाँ पर हीरा ठाकुर नाम लिख लिख करके और उस लड़के को भाई जलील कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके भी माता पिता आपसे कुछ उम्मीदें रखे हैं, जैसे कि वो लड़का उस औरत से उम्मीदें रखा है। अब वो औरत क्या कर रही है, अब वो तलाक मांग रही है, अब देखिए तलाक मांग रही है, ऐसा तो मैं उसको भी कहूँगा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, लेकिन अब सोच है लोगों की, दुनिया है, कैसे भी क्या लोग हैं, ठीक है। तो ये है बालक, ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, ठीक है। बाकी इतिहास तो गवाह है ही है, दो बातें मैंने बता चुका, एक इतिहास गवाह है कि बेरोजगार लड़का एक नौकरी वाली लड़की जो होगी उससे शादी नहीं कर सकती है, और लेकिन एक नौकरी वाला लड़का बेरोजगार लड़की से शादी कर सकता है, ये इतिहास गवाह है बालक, जो कि आपको ऐसे ही एग्जांपल देखने को मिलते रहेंगे इस दुनिया में। बाकी आप उस लड़के को जलील ना करें, ये बहुत गंदी आदत है, ये बहुत गलत बात है मेरे हिसाब से तो, बाकी आप लोगों की इच्छाएं, बाकी सोशल मीडिया की इच्छा, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं। अब अगर मैं बात करूँ, अगर आगे हाई कोर्ट में आ जाएं, हाई कोर्ट क्या कहता है बालक, हाई कोर्ट कहता है, जो कि कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप बीच में टॉपिक बदल देते हैं, बेटा ये बहुत लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि आज का युग जो है बहुत अजीबो तरह चल रहा है, ठीक है, तो बहुत अजीबो तरह से चल रहा है, और ऐसे लोग हैं, ऐसी दुनिया है, ऐसे भविष्य हैं, ऐसी सिद्धांत हैं, ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे पुरुष हैं, तो मैं दोनों को कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बाकी मर्जी उनकी और उनका वो। बाकी बेटा ये सब आपको जागरूकता करने का मेरा सिद्धांत है, जागरूक करूँ मैं आपको, मैं चाहता हूँ कितना भी आप तक जागरूकता पहुँचाऊँ जिससे आप थोड़ा थमे रहें, क्योंकि जवाना युग बड़ा ख़राब चल रहा है। अब देखिए हाई कोर्ट क्या कहता है बालक, गुवाहाटी हो गया आपका, ये आपका क्या है, अलग अलग राज्यों का एक हाई कोर्ट आपका क्या है, गुवाहाटी बनाया गया है। अब देखिए अगर आप हाई कोर्ट में, अगर आप सोचते हैं कि हाई कोर्ट, हम हाई कोर्ट के जज बन जाएं, क्या बन जाएं, हाई कोर्ट के जज बन जाएं, तो बालक हाई कोर्ट का जज आप अगर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्वाइन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको क्या होना चाहिए कि आप 10 साल क्या होने चाहिए, 10 साल आप बहुत अच्छे से, आप बहुत अच्छे 10 साल उसके क्या होने चाहिए, वकील होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दें, एक अच्छा कह सकता हूँ कि एक अच्छी कानून का जानकार भी होना चाहिए। तो आपको ये बताता है कि आपको हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपको 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या होना चाहिए, वकील होना चाहिए, या तो या लिख लेंगे, या तो आप 5 साल क्या हों, 5 साल या आप क्या हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जज हों, तब आप बन सकते हैं क्या, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, क्या बन सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकील होना चाहिए या 5 साल जज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5 साल जज होना चाहिए। और तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तीसरी बात जो है कि वो राज्यपाल के नज़रों में एक अच्छा कानून का जानकार भी होना चाहिए। तो ये तीसरी बात आप लिखेंगे कि राज्यपाल की नज़र में
की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। अच्छा जानकार होना चाहिए। वो बालक मैं बोलता भी हूँ और लिखता भी हूँ, जिससे कि जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिख लेंगे अपनी कॉपी में। तो हाई कोर्ट का आपको जज बनने के लिए 10 साल या तो आप वकील हों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या 10 साल आप हाई कोर्ट के जज हों। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि राज्यपाल की नज़रों में आप कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए, तब आप बन सकते हैं क्या, हाई कोर्ट के जज आप बन सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। इतनी बात मैं अगर समझूं कि इतनी बातें आपको धस गई होंगी आपके माइंड में, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ठीक है बालक, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ठीक है। ये बहुत पुरानी बातें मम्मी पापा लोग बोलते हैं, लेकिन आज का युग जो है बहुत अजीब चल रहा है, उल्टा चल रहा है। अगर मैं कहूँ, ठीक है, उल्टा चल रहा है, तो बेटा ध्यान से पढ़ाई लिखाई करो, जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, बाकी आपके हिसाब से जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि हाई कोर्ट का जो जज होगा उसकी नियुक्ति कौन करता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, तो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं भैया राष्ट्रपति। लिख लेना, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति नियुक्ति जब करते हैं तो किसकी सलाह पर करते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके ये तीन चीज़ें, ध्यान रखना, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और CJH चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और तीसरी बात हो जाएगी आपके राज्यपाल। क्या है भैया, जब हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति होती है तो उसको करते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति करने के बाद हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति, जज लिख दूं मैं, जज नियुक्ति, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो कि सलाह किसकी लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का उच्च सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होगा उससे लेते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो उस हाई कोर्ट का क्या होगा, उस राज्य का हाई कोर्ट का जो होगा चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट का उससे, और राज्यपाल से क्या करते हैं, सलाह लेते हैं, तब जाके राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक जज की नियुक्ति करते हैं। बात ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं बालक, ये आपका आप पॉइंट में लिखा करो, पॉइंट में लिखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, कुछ बच्चों को डाउट ये होता है, सर शपथ इनको कौन दिलाता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा ना कि मैं एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटने नहीं दूंगा, ये मेरा दावा है, और एक भी डाउट नहीं रह जाएंगे आपके कि सर ये बात हमको आपने नहीं बताई है, वो दिमाग में आपके चलेगा ही नहीं कि सर ये बात आपने हमको बताया नहीं है। तो ध्यान रखना, हाई कोर्ट की जो शपथ दिलाते हैं, हाई कोर्ट का जज की जो शपथ दिलाते हैं, वो दिलाते हैं आपके जो उस राज्य का होगा वो राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है। क्या दिलाता है भैया, हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि कह सकते हैं कि हमको, अगर मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर मैं कह दूं कि जजों को बढ़ाना है या जजों को घटाना है, या जजों को बढ़ाने की क्या होती है, तो कह सकते हैं कि किसी हाई कोर्ट में जजों को बढ़ाने या घटाने की, कह सकते हैं जजों की संख्या को बढ़ाने या घटाने की चर्चा कौन करता है, या घटा बढ़ा कौन सकता है,
बात समझ में आई? कोई भी हाई कोर्ट है उसमें अगर बात आती है कि जजों की संख्या बढ़ाना है या घटाना है, तो हाई कोर्ट की जब बात आएगी बालक, तो हाई कोर्ट में जजों की संख्या को लिख लेना, हाई कोर्ट में जजों की संख्या को राष्ट्रपति राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि इस हाई कोर्ट में जो राज्य होगा उसमें जज कितने रखे जाएं। और जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, तो यहाँ पर सांसद आपकी डिसाइड करती है, संसद आपका डिसाइड करता है, सांसद आपका डिसाइड करता है कि जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझना इसको ध्यान से फिर से। हाई कोर्ट में जजों की संख्या को डिसाइड कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट के में जजों की संख्या को डिसाइड करते हैं सांसद। जब किसी राज्य में हाई कोर्ट में, मान लीजिए वो राज्य है, मान लीजिए हमारा इलाहाबाद है, हमारा उत्तर प्रदेश है, इलाहाबाद है, अगर जब बात आएगी कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट में जज अगर, मान लीजिए इस समय फ़िलहाल तो भारत का जो है सबसे ज़्यादा जजों वाला जो हमारा राज्य है वो है हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या सबसे अधिक है। जब यहाँ पर बात आएगी कि हाई कोर्ट में मान लीजिए जज जितने हैं इस समय फ़िलहाल, आप देख लीजिएगा करंट में, क्योंकि जज बढ़ते घटते रहते हैं, तो इस समय मेरे ख्याल से 95 के करीब में है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो जो है आप देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, बाकी वहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके जजों की संख्या बढ़ते घटते रहते हैं, तो ये आप करंट आप देखेंगे तब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए 95 है। अब अगर बात हुई कि मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद कह रहे हैं हमको जजों की और ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति से, राज्यपाल सिफारिश करेंगे, राज्यपाल क्या करेंगे? राष्ट्रपति से कहेंगे, और राष्ट्रपति क्या करेंगे भैया? वहाँ पर डिसाइड करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में और जज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जब बात आएगी सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या को बढ़ाने या घटाने के लिए, कि जो सुप्रीम कोर्ट में आपके इस समय 33 जज हैं और एक आपके मुख्य न्यायाधीश को मिला करके 34 आपके हो जाएंगे, तो अगर मान लीजिए 34 जज में अगर आपको 33 जजों में अगर आपको बढ़ाना पड़ गया, तो वो डिसाइड करती है आपकी संसद कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी। क्या करती है? सांसद कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ये डिसाइड करती कौन है? सांसद डिसाइड करती है। इतनी बात समझ में आ गई। यहीं पर आप एक बात और लिख लेंगे कि जज की, जो हाई कोर्ट का जज होगा उसकी जो वो जब रिटायर होगा तो उसकी डेट होनी चाहिए 65 वर्ष उसकी आयु होती है। रिटायरमेंट की कितने वर्ष होती है? 65 वर्ष होती है। कितनी होती है? 65 वर्ष तक होती है। सॉरी, कितना होती है बालक? 65 वर्ष तक होती है। आप जज बनेंगे तब आपकी, जब आप रिटायर होंगे तो सबको पता है कि जज की रिटायरमेंट कितनी होती है? 65 वर्ष पर हो जाती है, अधिकतर 65 वर्ष है, इस समय 62 कर दी गई है, मुझे लगता है 62 कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा। बाकी आप ध्यान रखेंगे कि 65 वर्ष क्या होती है? जज की रिटायरमेंट वर्ष होती है, आयु होती है कि रिटायर इतने पर हो जाएंगे। अब अगर मेन इम्पॉर्टेंट बात आती है हमलावरों की मैं अगर बात करूं बालक, जो हमला करने वाले होते हैं, कुछ मुकदमे होते हैं जो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुने जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? हाई कोर्ट में अपील करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हाई कोर्ट में अपील भी करना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारी सरकार जो है, हमारा जो ये देश है, ये केवल 3 चीज़ों से चल रहा है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 चीज़ों से चल रहा है, ध्यान रखना। अब देखिए, जब बात आती है कि कोई मुकदमा जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुना जाता है, तब आप हाई कोर्ट ज्वाइन करते हैं, हाई कोर्ट को अपील करते हैं अपने मुकदमा को। तो यहाँ पर बालक एक चीज़ होती है, जब आप कोई भी मुकदमा को एक टॉपिक, अगर एक हेडिंग मान के चलूँ, तो मुकदमा को अगर आप, मुकदमा किसी पर भी हो
सकता है कोई ज़मीनी विवाद मुकदमा, आप सब लोग जानते हैं, जो मुकदमा नहीं जानते हैं, कोई ज़मीनी विवाद, कोई लव मैरिज, कोई किस मैरिज, कोई कौन सा मैरिज, सारे मैरिज होते हैं। तो भैया मुकदमा वही होता है जो आपका मुकदमा देखते होंगे, आप सुनते होंगे कि भैया उसका ससुरा को वहाँ पर मुकदमा चल रहा है, सुने होंगे कि वहाँ पर उसका क्या चल रहा है, मुकदमा चल रहा है भाई, हाई कोर्ट में वो मुकदमा लड़ रहा है। उससे जीत जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो हार जाएगा तो फिर जेल जाना पड़ेगा। ऐसी बातें आप लोग अपने जीवन लाइफ में सुने होंगे। तो बालक ये होता है आपका मुकदमा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यदि अगर कोई मुकदमा को हाई कोर्ट में ले जाने की बात आती है तो यहाँ पर कुछ घटनाएँ होती हैं, कुछ क्रियाकलाप होते हैं, ध्यान रखना। क्रियाकलाप क्या होते हैं, ध्यान रखो, जब आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुकदमा हाई कोर्ट ले जाना हुआ, जब आप कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, हमारी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो रही है, तो हम अपना मुकदमा क्या करते हैं कि कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जो कि हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, ध्यान रखना। कुछ हर एक मुकदमा, अब भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस लिए बनाया गया, अब सब लोग सोचे कि रोज़ हम हाई कोर्ट में मुकदमा ही दायर किए रहे हैं, हाई कोर्ट में मुकदमा ही भेजते रहें, तो ऐसा नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस लिए बनाया गया है, आपका कोई फैमिली मैटर है, आपका कोई फैमिली मैटर, आप जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको उसको सुलझा देगा, ठीक है। तो इसलिए होता है, यदि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो मुकदमा नहीं सुलझा पा रहा है और वो जरूरत पड़ रही है हाई कोर्ट में जाने के लिए, और जब वो हाई कोर्ट में जाने के लिए उसकी जरूरत पड़ रही है, तब बालक यहां पर एक चीज होता है, जब कोई मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना सुनवाई हो और उसे हाई कोर्ट में ले जाना हो, तब आप 30 दिन के भीतर एडमिट सूट होता है आपका, जो कि आपका एडमिट सूट करेंगे, क्या करेंगे, एडमिट सूट करेंगे, जिससे कि आपका मुकदमा पहले एडमिट सूट में जाएगा और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में पहुंचेगा। फिर से समझिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई मुकदमा अगर हाई कोर्ट पहुंचाना है तो हाई कोर्ट में अगर मान लीजिए अपील करना है, कह सकते हैं अपील ही यहां पर लिखिए आप कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई मुकदमा हाई कोर्ट में अपील करना है, तो 30 दिन के अंतराल में, 30 दिन के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, उस मुकदमे को एडमिट सूट करवाना होगा। एडमिट सूट होगा तभी वो मुकदमा कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। अब देखिए हाई को एडमिट सूट में क्या होता है, बालक कुछ बालकों का क्वेश्चन होता है, सर एडमिट सूट में क्या होता है, सर एडमिट सूट यहाँ पर आप लिख लेंगे यहाँ से यहाँ पर, ये मैं बेटा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ गति ऊर्जा ऊर्जा सब पढ़ा दूंगा, देखो ध्यान से देखो, बस 30 डेज यहाँ पर लिख लो, 30 डेज समझ में आ जाएगा कि 30 दिन के अंतर में क्या करना पड़ेगा, एडमिट सूट करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लिख लेना एडमिट सूट करना पड़ेगा, तब आपका क्या होगा, हाई कोर्ट में मुकदमा अपील होगा। अब एडमिट सूट में कौन होता है बालक, एडमिट सूट में आपके होते हैं कुछ जज, कह सकते हैं कुछ जज कह लीजिए, या कह लीजिए जज नहीं कहेंगे आप, अगर मैं कह सकता हूँ कि कुछ एक हाई लेवल के वकील होते हैं, या कह लीजिए कि कुछ नए नए जज होते हैं जो कि आपके एडमिट सूट में आपको उनको बैठाया जाता है, जो कि वो ये डिसाइड करते हैं कि ये मुकदमा जो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लाया गया था, जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लाया गया था ये मुकदमा, ये हाई कोर्ट के लायक है या नहीं है, तो ये डिसाइड करते हैं, जो एडमिट सूट वहाँ पर होंगे वो डिसाइड कर देते हैं कि ये मुकदमा हाई कोर्ट के लायक है कि नहीं है, नहीं तो बिना मतलब में समय व्यतीत करो, है ना, बिना मतलब में समय लो जज का, तो इतना समय नहीं होता है बालक, जितने भी जज हैं उनके पास एक मुकदमा नहीं होता, रोज तांडव होता है, थोड़ा सा हुआ रोज तांडव होता है बेटा, जिसको देखोगे रोज मुकदमा दायर किए रहता है, ये होता है, ठीक है। तो एक नहीं तमाम मुकदमे हैं, जिसका केस चलने लगा बेटा कभी केस के उसमें मत जाना, किसी के ऊपर मुकदमा हो या कुछ भी लगे किसी के ऊपर कोई भी हो, मुकदमा घास डालते हैं, जिसको कहते हैं ना कपड़े में एकदम आस्तीन करना और प्लस कपड़े में जब धुलाई करना तो उसको घस घस के एकदम धूल डालते हैं, ये होता है, ठीक है। तो ऐसी घटना होती है तो बेटा कभी ये सब रास्ते जाना नहीं, मेरी बात मेरी सलाह लेना, तो नहीं तो घंस जाएंगे, जब तक साला समय नहीं आ जाएगा 60 साल की उम्र तक, तब तक मुकदमा चलता है, ऐसी चीज़ें होती है, पता नहीं कब सुनवाई हो, ठीक है, ये होता है, पता नहीं कब सुनवाई हो, तो यही होता है बालक। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तारीख पे तारीख, जिसको कहते हैं आप तारीख पे तारीख जाओगे, तो यही होता है आपका कि कोई भी मुकदमा जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुना जाता है और आप उसको क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट के लायक होना चाहिए, और हाई कोर्ट के लायक होने के लिए डिसाइड कौन करता है, वो एडमिट सूट डिसाइड करता है कि ये मुकदमा हाई कोर्ट के लायक है भी या नहीं है।
इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ बच्चे एडमिट सूट नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए कुछ मुकदमा होता है, अब जैसे आप बात करें, अगर मैं बात करूं बालक, कुछ मुकदमा होता है जो आप डायरेक्ट, जो वो मुकदमा कहाँ क्या होता है, जो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जैसे में आप लिखेंगे, एग्ज़ाम्पल में क्या, ये एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे में कह सकते हैं कोई कंपनी विवाद है। क्या है बालक, कंपनी विवाद है पहली बात। दूसरी बात, कोई एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव MLA का निर्वाचन जैसे है, कह सकते हैं जैसे इन दोनों का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, तो उससे कोई विवाद है, तब आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तीसरी बात हो जाएगी नौकरी संबंधी कोई विवाद है। चौथी बात, वसीयत या विरासत से संबंधित कोई बात है, तब आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यहाँ पर आप पांचवी बात लिखेंगे, तलाक, विवाह, लव मैरिज। तो ये सब ऐसे मुकदमे हैं। और एक चीज़ लिख लेंगे आप, PIL, जनहित याचिका लिख लेंगे आप, जनहित याचिका। तलाक, विवाह, लव मैरिज और कंपनी विवाद, MP MLA का कोई निर्वाचन से संबंधित कोई ऐसी घटना जिससे कि हम जीत गए, तुम जीत गए, तुम नहीं जीते, हम जीते, ऐसी बातें हो जाएं। नौकरी संबंधी कोई विवाद कि नहीं भैया, इसका आरक्षण इतना था तो ये नहीं लिया, इसका आरक्षण उतना था तो इसको नहीं मिलनी चाहिए, इसका नंबर इतना था तो इससे संबंधित है, दशमलव में है नंबर हमारा, ऐसे है वैसे है, तो ये सारे विवाद आपके क्या हो जाएंगे, ये सब आपको आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। लव मैरिज बिटवा, अगर आपको ब्याह करना है डायरेक्ट, कहाँ पर, मैं तो पहले सलाह नहीं दूंगा कि बेटा आप लोग पहले लव मैरिज वाला ब्याह करो, बाकी बात आपकी है। बाकी अभी एक मैटर हुआ है लव मैरिज पे, जो कि एक लड़का था, बिहार की घटना है, ये उठ करके आई है बिहार की घटना को, वो सोशल मीडिया से हुआ मोहब्बत, सोशल मीडिया से हुई मोहब्बत, सोशल मीडिया के ज़रिए हुई मोहब्बत, बार बार मैं बोल रहा हूँ किससे हुई मोहब्बत, सोशल मीडिया से हुई मोहब्बत। सोशल मीडिया क्या है आपकी, सोशल मीडिया हो गई आपकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ऐसी सारी घटनाएं होती हैं। तो आज के युग में बेटा सोशल मीडिया से बहुतों को मोहब्बत हो रही है, ये बड़ा अजीब अचंभव वाली बात चल रही है, बहुत अचंभव वाली बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया से हो गई मोहब्बत। और वो क्या थी बालक, बच्चा पढ़ता था क्लास ट्वेल्थ में, अभी दो दिन तीन दिन की बात है, बच्चा पढ़ता था क्लास ट्वेल्थ में, जो था लड़का जो क्लास ट्वेल्थ में था, और जो औरत थी उसकी एक इतनी बड़ी बच्ची थी, और उनके पति कमा रहे थे वहाँ, कहाँ भैया, पुणे में कमा रहे थे, और जो है वो यहाँ रासलीला मना रहे थे जो लोग थे। और उसके बाद जब बात आई तो ऐसी घटना हो गई, तो लव मैरिज सोशल मीडिया से जब पूछा गया कि आपको मोहब्बत कैसे हुई, तो पता चला कि लव मैरिज हुई सोशल मीडिया से हुई। तो ये है, अब उनकी जो सास है वो रखना भी नहीं चाहती। तो बालक ऐसी घटनाएं आती हैं, तो मैं सबको यही सलाह देता हूं, हर जगहों पे सलाह देनी पड़ती है कि थोड़ा दूर रहो सोशल मीडिया से। प्यार मोहब्बत एक धोखा है, इसमें आते हुए कौन किसको रोका है, ठीक है, सब धोखा है, इसमें आते हुए कौन किसको रोका है, ध्यान रखना। तो इससे थोड़ा दूरी बना के रखो, सोशल मीडिया का सदउपयोग करो, दुरुपयोग ना करो, मेरी मानो तो। लव मैरिज बाकी नहीं, तुम्हारा लला भी कहाँ जाएगा, ये सीधा विवाद पहुँचेगा हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, डायरेक्ट आपकी हो जाएगी क्या, कोर्ट मैरिज।
समझ में आया बेटा? तो ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ये हो गई आपकी, आप डायरेक्ट आप तलाक संबंधी आप कोई विवाद है, विवाह संबंधी कोई विवाद है, विवाह संबंधी मैं अगर बात करूं बालक, तो कुछ बच्चों का डाउट होगा सर विवाह संबंधी क्या होता है। बेटा जैसे ले लो दहेज के, दहेज से लेकर के, क्योंकि दहेज प्रथा है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप पहले ऐसी संबंधित कोई घटना होती है दहेज प्रथा और भी दहेज उन्मूलन ऐसी चीज़ें कोई घटना होती हैं, तब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सीधा हाई कोर्ट आप अपील कर सकते हैं। इतनी बातें तो बेटा समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। बाकी मैं कहूँगा लव मैरिज, तो लव मैरिज में सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए रखो, और जो सोशल मीडिया से मोहब्बत वोहब्बत कर लेते हो ना बेटा, तो थोड़ा दूर रहो, और जो ये ज़रूरी है उसको करो, मेरी मानो तो ठीक है। तो हम आने आज बात कर ली, हमने आज सारी चर्चाएँ कर ली। कुछ बच्चों को सर जनहित, जनहित नहीं समझ में आ रहा होगा, तो बालक जनहित, जनता का हित, जनता के हित के लिए कोई ऐसी घटना है, जैसे आप समझ लीजिए कोई आप मूल अधिकार के विपक्ष में आप कोई कार्य कर सकते हैं, कोई आप कार्य कर रहे हैं तो आप उससे समाज पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, तब आप जनता का, समझ में आ रहा होगा बेटा, जनता का हित, जनहित क्या है, जनहित। तो कोई ऐसी घटना है जो कि समाज पर उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, और जैसे मूल अधिकार पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, और हमारा मूल अधिकार जो है वो हमारे लिए है, तो वो क्या है कि सभी के ऊपर है, और जब सभी के ऊपर है तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट अपील कर सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी क्या है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये रही आपकी हाई कोर्ट जैसी चर्चा, और हाई कोर्ट आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगा, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रही बालक, क्योंकि आपको मैंने बहुत कुछ जानकारियाँ दी, बहुत कुछ जानकारियाँ दी, हर एक चीज़ जानकारियाँ दी, कुछ अलग से भी कुछ चीज़ें आपको बताई जो कि आप लोग उससे सचेत रहें और बचे रहें। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना मेरे साथ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन हो जाना मुझसे, मैं आपका मित्र समझिए या कुछ भी समझिए, ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी समझिए। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना मेरे साथ। जय हिंद।